भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर जोशीमठ पहुंचे और जहां पर उन्होंने कहा कि जोशीमठ में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। कहा कि कोई भी सोशल मीडिया में जोशीमठ को लेकर नकारात्मक बातें ना फैलाएं, जोशीमठ में सब सामान्य है। आखिर उन्होंने कहा है कि पूरा उत्तराखंड देश विदेश के सैलानियों के लिए सुरक्षित है, सभी सैलानियों का उत्तराखंड स्वागत करता है। वहीं नवीन ठाकुर ने जोशीमठ के सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मनोहर बाग की वार्ड संख्या 5 का निरीक्षण किया। बता दें कि यहां से सभी प्रभावितों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा बहुत तेजी से के साथ पुनर्वास का कार्य किया गया और लोगों के लिए उचित व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहद सुरक्षित तरीके से चिन्हित भवनों को तोड़े जाने का कार्य किया जा रहा है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जोशीमठ का जो मैं 2-3 दिन से भ्रमण कर रहा हूँ, चाहे वो मनोहर बाग हो जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ से भी विस्थापन का कार्य लगभग लगभग पूरा हो चुका है। सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार यहाँ पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। वो स्वयं यहाँ 2 दिन तक ग्राउंड जीरो पर रहे और सभी जो भी लोग यहाँ से जिनका पुनर्वास हुआ है बहुत सरकार से संतुष्ट हैं। उनको हर प्रकार की जो है सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। उनको अंतरिम सहायता के तौर पर हम 1.5 लाख रुपये दे चुके हैं। देखिए, जोशी